हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकांड्रिया, और हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम माइटोकांड्रिया है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, आप समझिए कि माइटोकांड्रिया जो होती है इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, अर्थात हमारे कोशिका, जितनी हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं उन कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। कौन काम करता है? माइटोकांड्रिया। इसकी खोज बड़ी डिफिकल्ट तरीके से कई लोगों ने मिलकर की। आप समझिए, ये जो माइंड सेटअप करने की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हम लोग इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तीन साइंटिस्टों ने मिलकर इसकी खोज की, नामकरण किया, किसी ने दूसरा नाम रखा, किसी ने कहां देखा, किसी ने कोशिका के अंदर देखा। इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हुए संरचना और इसके कार्यों को खत्म करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक माइटोकांड्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो ये समझ लीजिए कि पाया कहां जाता है। अगर हम माइटोकांड्रिया की सिचुएशन देखें तो हमारे कोशिका के अंदर, यहां पर मैं छोटा सा मेंशन कर दे रहा हूं, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के आसपास अर्थात कोशिका के अंदर ही हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, माइटोकांड्रिया, गल्जी बॉडी और राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारी चीजें इसके सेल के अंदर होती हैं। और उन समस्त सेल के अंदर वाले अंग को, मतलब जितने अंग सेल के अंदर पाए जाते हैं उन्हीं अंगों को हम एक भाषा में कहते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गन्स। आई होप कि आप क्लियर हुए होंगे कि सेल के अंदर जितने ऑर्गन्स पाए जाते हैं बाबू क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गन्स कहलाते हैं, कोशिकांग कहलाते हैं। अब उन्हीं कोशिकांगों में से एक कोशिकांग कौन सा है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल अर्थात कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये पूरी कोशिका को खूब ऊर्जा देती है और चार्ज करके रखती है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, खोज के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकांड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने, अब हिंदी इंग्लिश दोनों सिमिलर है इसलिए मैंने इंग्लिश में मेंशन किया है, आप हिंदी में इंग्लिश में जैसे आपको फिट बैठे, आपको अच्छा लगे वैसा मेंशन कर लीजिए। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1850 में, किसने की? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1850 में क्या किया? कीटों की रेखीय पेशियों में इसे देखा, खोज की कि भैया यहाँ कीट जो है उसकी रेखीय पेशियों में छोटे छोटे राउंड शेप रॉड की नुमा संरचना पाई गई, उसने देखा। और उसी के लिए इसका आपको पहला श्रेय किया जाता है कि कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1850 में कीटों की रेखीय पेशियों में से खोज किया, उसको देखा। इसके अलावा उसने और कोई उसके ऊपर इसका एफर्ट नहीं था, चूंकि इसने देखा था, इसने सबसे पहले कीटों की रेखीय पेशियों में देखा तो इनका नाम सबसे ऊपर मेंशन हुआ। इसके बाद कोलिकर के बाद आते हैं अल्टमैन, है ना। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1890 में, अब कितनी साल बाद, अब खुद देख लीजिए कि यहां 50 है और यहां 90, 40 साल के अंतर में कोलिकर ने केवल देख के छोड़ दिया, कोई काम नहीं उसके ऊपर, कोई एफर्ट नहीं किया। उसने देखा तो उसने ये हुआ कि नहीं, कीटों की रेखीय पेशियों में कुछ छोटी रॉड नुमा संरचना पाई जाती है। अल्टमैन ने 1890 में 40 साल बाद वंस अगेन इसे कहां देखा? कोशिकाओं के अंदर देखा। कब देखा बाबू? 1890 में देखा। किसने देखा? अल्टमैन ने। कब? 1890 में कोशिका के अंदर देखा और इसे नाम दिया बायोप्लास्ट। अब आप क्लियर रखिएगा, सबसे पहले किसने देखा? कोलिकर ने, कह सकते हैं खोज की, कहां की बाबू? कीटों की रेखीय पेशियों में देखा। दूसरे नंबर पे उसने उसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं किया। फिर 40 साल धीरे धीरे बीत गए, अल्टमैन ने 1890 में कोशिका के अंदर इसे देखा और इसे नाम कह दिया बायोप्लास्ट, नाम दिया। क्लियर हुई बात? तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? अल्टमैन ने दिया। कब दिया? 1890 में इसने कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया की खोज की, तो उसने माइटोकांड्रिया नाम ना देके क्या कह दिया? बायोप्लास्ट। तीसरा सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने 1898, अब कितना बाबू? 8 साल बाद,
पहली खोज 50 के बाद, फिर 40 साल बाद हुई 90 में, और फिर 90 के बाद 98, 8 साल बाद सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसी बायोप्लास्ट को माइटोकांड्रिया नाम दिया। ये है कहानी खोज की, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी उलझी हुई है, सुलझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तीन वैज्ञानिक है अलग अलग तरीके से खोज की है। पहले ने कोलिकल ने देखा कीटों की रेखीय पेशियों में, अल्टमैन ने कोशिका में देखा लेकिन इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, और सी बेंडा ने इसे माइटोकांड्रिया नाम दिया और उसके ऊपर अपना अध्ययन किया। अब बात आती है माइटोकांड्रिया की। हम लोगों ने पहले से सिचुएशन याद रखी कि पाया कहाँ जाता है, बाबू कोशिका के अंदर पाया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि कोशिका को चार्ज करके रखना, विद्युत प्रदान करना, विद्युत गृह कहते हैं इसे। अब बात आती है इसकी संरचना के बारे में, थोड़ी सी पढ़ने की संरचना पढ़ लीजिए, कार्यों को खत्म मेंशन वो लर्न करके नोट करके खत्म करते हैं। यह डबल लेयर्ड संरचना होती है, सबसे बाहरी जो लेयर होती है आउटर लेयर कहलाती है, और इसके अंदर की जो लेयर होती है आंतरिक लेयर या इनर लेयर कहलाती है। इनर लेयर के अंदर जो होती है यह एक किल की नुमा कह सकते हैं या उंगली की नुमा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टी या क्रिस्टा कहते हैं, और इसी क्रिस्टा के अंदर वाले भाग पे मैट्रिक्स कुछ तरल और चिपचिपे जेली लाइक पदार्थ भरे होते हैं, और उन पदार्थों को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे हैं कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ड्रा होती है माइटोकांड्रिया के अंदर वाले दीवार पे, उसे हम क्रिस्टा कहते हैं। कहीं कहीं क्रिस्टी है, कहीं कहीं क्रिस्टा है, डाउट होगा तो क्लियर कर लीजिएगा। क्रिस्टी के आसपास जो स्पेस बचा होता है इसमें मैट्रिक्स तरल और चिपचिपे पदार्थ भरे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं तरल और चिपचिपे भाग को। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके पास अर्थात माइटोकांड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है। एक और बात, आप पेन डाउन कर रहे हैं तो पेन डाउन अच्छे से कर लीजिएगा नोट्स में, कि सेल ऐसे तीन सेल ऑर्गन्स हैं, कोशिकांग हैं, जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। पहला तो भाई केंद्रक होता है, केंद्रक के पास अपना डीएनए होता है। दूसरे नंबर पे माइटोकांड्रिया होती है, और तीसरे नंबर पे क्लोरोप्लास्ट होता है। इन तीनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है, और आप जानते हैं डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो पेरेंटल कैरेक्टर माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचा देता है। तो इसके अंदर अपना खुद का डीएनए होता है, डीएनए बीच में मैट्रिक्स के अंदर कहीं स्थित होता है। मैट्रिक्स के अंदर छोटे छोटे दानेदार संरचना होती है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम, और आप जानते हैं राइबोसोम प्रोटीन के फॉर्मेशन में सिंथेसिस में मदद करता है। आउटर लेयर इनर लेयर सब सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर रखी है। अब इसी क्रिस्टी की संरचना एक बाहर आपको करके दिखाई गई है, ताकि इन छोटे छोटे बिंदु जो घुंडी नुमा संरचनाएं बनाई गई हैं इसको हम लोग समझ सके। तो यही क्रिस्टी की संरचना बाहर बना के दिखाई गई है, और आप समझिए इन क्रिस्टी के ऊपर घुंडी की नुमा राउंड राउंड शेप्ड संरचना पाई जाती है, और यह संरचना कहलाती है F1 पार्टिकल। क्या कहलाती है बाबू? F1 पार्टिकल्स कहलाती है। हिंदी इंग्लिश दोनों सिमिलर है, चाहे जैसे आप याद कर लीजिए। F1 पार्टिकल्स होती है, और इसे ही वैज्ञानिकों ने ऑक्सीसोम नाम दिया है। क्या नाम दिया गया? ऑक्सीसोम नाम दिया गया है। F1 पार्टिकल्स भी से क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे ऑक्सीसोम से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है कि इसके अंदर ATP का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन? ATP, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। अब आप एक चीज और सेंस में अपने रख लीजिए, बैठा लीजिए, कि हमारे अंदर जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जो हम फूड मटेरियल्स लेते हैं, वह कन्वर्ट होता है किसमें? ATP में, और ATP के थ्रू ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, अर्थात एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मिलती है। और ये किसके अंदर सिंथेसिस होता है, फॉर्मेट होता है, बनता है? तो F1 पार्टिकल के अंदर। और F1 पार्टिकल कहां पाया जाता है? तो माइटोकांड्रिया में, क्रिस्टी के ऊपर पाया जाता है। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। कार्य देख के खत्म करते हैं, चूंकि माइटोकांड्रिया के ऊपर अगर हम कार्यों को देखें
तो माइटोकांड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, और आपको वंस अगेन मैं बता रहा हूं कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को उसके नए उसके आने वाली संतान में पहुंचाता है। तो डीएनए खुद डुप्लीकेट करके नई माइटोकांड्रिया को जन्म देता है, नई माइटोकांड्रिया के फॉर्मेशन में अपना भाग लेता है, अपना रोल प्ले करता है। कौन? डीएनए, अर्थात नई माइटोकांड्रिया के फॉर्मेशन में क्या करता है, अपना वर्क प्ले करता है, मतलब कि इसका सेल्फ रिप्लिकेशन करता है, अपना खुद द्विगुणन करके ढेर सारे नए डीएनए का फॉर्मेशन करता है और माइटोकांड्रिया के विभाजन में, उसके ओरिजिनेशन में अपना रोल प्ले करता है। दूसरा बाबू, दूसरा हम लोगों ने इस पॉइंट पे काफी डिस्कशन किया, यह हमारे शरीर में जो एडीपी होती है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी को एटीपी में बदलता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को किस में बदलता है बाबू, एटीपी में, किसको किसमें, एडीपी को एटीपी में बदलता है, अर्थात एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलता है, जिससे हमारे शरीर हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती। तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, यह क्रेव्स चक्र में, क्रेव्स चक्र जो होता है प्लांट्स में ज्यादा, प्लांट में ज्यादा देखने को मिलता है, प्लांट्स के अंदर क्रेव्स साइकिल चलती है। क्रेव्स चक्र में आप समझिए, क्रेव्स चक्र में यह कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिससे क्रेव्स चक्र जो क्रिया है प्लांट में वो पूरी हो जाती है। कंप्लीट होने में कौन मदद करता है, हमारा, हमारी माइटोकांड्रिया, अर्थात प्लांट बॉडी में भी तो माइटोकांड्रिया पाई जाती है, तो उसमें क्रेव्स चक्र में यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पन्न करती है, जिससे क्रेव्स चक्र की क्रिया पूरी हो जाती है। नेक्स्ट जो होता है F1 पार्टिकल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, यह भी एक वर्क है कि F1 पार्टिकल्स में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जिससे उच्च कोटि की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा वाले अणु उत्पन्न किए जाते हैं, किसमें, F1 पार्टिकल्स में। और लास्ट क्या है बाबू, पांचवां कार्य कार्य लिख सकते हैं क्या, कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, यह क्या होता है, जो माइटोकांड्रिया होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अपना वर्क प्ले करती है, शरीर में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, उसमें अपना भाग लेती है, और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय यह ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का फॉर्मेशन करती, निर्माण करती है, और वह जल इसके क्रिस्टी वाले भाग में जाके सुरक्षित होता है। आई होप कि आपको इतनी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, कार्यों को खूब अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन, उसके अलावा बहुत सारी चीजों का की सिंथेसिस, डीएनए का काम होता है, नई माइटोकांड्रिया का फॉर्मेशन, सिंथेसिस करना, डुप्लीकेट होना, ऐसे बहुत सारे कार्य आपको एक लाइन में आपको बताए गए। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, आई होप कि सारी चीजें बेस्ट होंगी आपके लिए, आपके लाइफ के लिए बहुत सारी काम आएंगी, है ना। तो आज की पॉइंट यहीं तक खत्म करते हैं, आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मेरे वीडियो को देखने के लिए, अपने नए नए दोस्तों को तक शेयर करने के लिए, मेरी साइंस फैमिली को बड़ा करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच वंस अगेन।